इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से दो बार विधायक रहे नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। आईटन गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के वर्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के बाहर, जहां पर इनेलो के समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इनेलो के समर्थकों को इस बारे में सूचना मिली तो यहां पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। ये वही वर्म शक्ति संजीवनी अस्पताल है जहां सबसे पहले नफे सिंह राठी को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही उनके एक समर्थक की भी मौत का मामला सामने आया है, उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जयकिशन मांडोठी उनका नाम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके जो ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा करीब 5:15 बजे के आसपास हुआ है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी अर्पित जैन मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने 2 DSP के नेतृत्व में टीम गठित की है जो पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी मौके का मुआयना किया है, दौरा किया है, नफे सिंह राठी के पुत्र और अन्य परिजनों से मुलाकात की है। पूरे मामले की CBI जांच करवाने की मांग भी नफे सिंह राठी की तरफ से नफे सिंह राठी की हत्याकांड की करवाने की गई है। अभय चौटाला लगातार सरकार पर भी हमलावर हुए हैं और पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि हमलावर कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी हमलावर, कोई भी जो हत्यारा है, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि शहर के अन्य लोगों से जिनसे हो सकता है कि नफे सिंह राठी की साथ किसी प्रकार की रंजिश हो, उनसे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। कई टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की मुख्य वजह साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से दो बार विधायक रहे नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। आईटन गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के वर्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के बाहर, जहां पर इनेलो के समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इनेलो के समर्थकों को इस बारे में सूचना मिली तो यहां पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। ये वही वर्म शक्ति संजीवनी अस्पताल है जहां सबसे पहले नफे सिंह राठी को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही उनके एक समर्थक की भी मौत का मामला सामने आया है, उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जयकिशन मांडोठी उनका नाम बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके जो ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा करीब 5:15 बजे के आसपास हुआ है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी अर्पित जैन मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने 2 DSP के नेतृत्व में टीम गठित की है जो पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी मौके का मुआयना किया है, दौरा किया है, नफे सिंह राठी के पुत्र और अन्य परिजनों से मुलाकात की है। पूरे मामले की CBI जांच करवाने की मांग भी नफे सिंह राठी की तरफ से नफे सिंह राठी की हत्याकांड की करवाने की गई है। अभय चौटाला लगातार सरकार पर भी हमलावर हुए हैं और पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि हमलावर कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी हमलावर, कोई भी जो हत्यारा है, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हालांकि शहर के अन्य लोगों से जिनसे हो सकता है कि नफे सिंह राठी की साथ किसी प्रकार की रंजिश हो, उनसे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। कई टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की मुख्य वजह साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़।